हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रेलर की टक्कर से मृतक और घायलों को आर्थिक सहायता के लिए समाज बंधु और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अंशदीप को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय के सांडिया ग्राम के बस स्टैंड पर कल ट्रेलर की टक्कर से हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को व घायलों को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिलाने को लेकर सरगरा समाज की ओर से जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सोमवार सांडिया गांव के मुख्य सड़क नेशनल हाईवे 162 बस स्टैंड पर चाय के ढाबे पर सोहनलाल सरगरा रेपड़ावास व जगदीश सरगरा पाली तथा अन्य लोग खड़े थे कि चंडावल की तरफ से तेज गति व लापरवाही पूर्वक एक ट्रेलर सांडिया बस स्टैंड पर आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सांडिया बस स्टैंड के चाय के ढाबे के पास खड़े लोगों को चपेट में ले लिया, जिसे सोहनलाल रेपड़ावास व जगदीश पाली की दुर्घटना में मौत हो गई तथा अन्य लोग घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। मृतक सोहनलाल सरगरा का शव बांगड़ अस्पताल पाली के मोर्चरी में शव रखा है तथा जगदीश सरगरा पाली का सोजत अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा है। दोनों परिजनों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उक्त दोनों व्यक्ति ही परिवार में खाने कमाने वाले थे। इनका देहांत होने से परिवार की आर्थिक हालात दयनीय हो गई है तथा कुछ घायल बांगड़ अस्पताल पाली में तथा कुछ सोजत राजकीय अस्पताल में भर्ती है, जिनको भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार से सहायता दी जाए। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।